मैथ कक्षा छठी चैप्टर चौथा आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इसके अंदर एक्सरसाइज है 4.6। तो इसमें हम वृत्त के कुछ नियम दिए हैं। इसके अंदर वृत्त, त्रिज्या, त्रिज्याखंड, जीवा और बाह्य बिंदु और अंदर के बिंदु, परिधि, व्यास, ये सब कुछ बताया गया है। तो इसमें मैं आपको सारा कुछ परिचित कराता हूँ इससे। अब देखो, इसमें वृत्त एक सरल वक्र है जो एक बहुभुज नहीं है। इसमें किसी प्रकार की कोई भुजा नहीं है। इसके कुछ विशिष्ट गुण हैं। वृत्त जो है एक सरल बंद वक्र है, बहुभुज है, इसके कोई वो है नहीं। अब ये जो है वृत्त दिया है हमें ये। अब इसके अंदर देखो, वृत्त के भाग जो हैं हमें दिया है। इसके अंदर ये परिधि है, बिंदु सी से लेकर के ए तक ये त्रिज्या है। सी से ए, सी पी, सी बी, सी एम। तो इस मध्य बिंदु से लेकर के, यानी बिंदु सी से लेकर के कोई भी लाइन जो है इस परिधि को छुएगी तो वो उसकी परिधि होगी। इसके अंदर हम देखते हैं अभी, वृत्त की परिधि क्या है। ये वृत्त दिया है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो ये जो है सारी वृत्त की परिधि होगी, यानी बिंदु सी से पी ए बी सी डी। तो त्रिज्या जो है, त्रिज्या कौन कौन सी होगी, सी पी, सी डी, सी ए, सी बी और सी ई, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। और वृत्त के जीवा जो होती है, वृत्त के जो दो भागों में बांट दें, यानी ये मध्य बिंदु से होकर के गई है, ये सबसे बड़ी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं, वृत्त के व्यास को कहते हैं। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। बाकी ये होगी, ये होगी, तो ये वृत्त की जीवा है। अब जो है चाप, ठीक है, तो ये हमारा वृत्त है। यहाँ से लेके यहाँ तक यह बिंदु सी और बिंदु बी, यह वृत्त की चाप कहलाती है, ठीक है। अब त्रिज्याखंड जो है, इसके अंदर ये त्रिज्याखंड है और एक जो है इसके अंदर वृत्तखंड है। इसके अंदर वृत्तखंड कौन सा हो गया, ये देखो, वृत्तखंड ये हो गया, ये त्रिज्याखंड हो गया। इसके अंदर त्रिज्या बनती है, ये वृत्तखंड हो गया, यानी वृत्त के ये हो गया। अब परिधि जो है, परिधि ये परिधि होगी, ये जीवा होगी, ये चाप होगी, ये त्रिज्या होगी। अब जो है इसके अंदर हम सब कुछ जान चुके हैं। अब जो है 4.6 में वृत्त का एक केंद्र, ये वृत्त का केंद्र बिंदु ओ,
तीन त्रिज्याएं ओ ए ओ बी ओ सी। तो इसके अंदर हम अलग अलग नाम लिखेंगे। अब देखो पहला सम है इसमें वेट का केंद्र, तो ये हमें वृत्त का केंद्र दिया है इसके अंदर ओ। तीन त्रिज्याएं ओ ए ओ बी और ओ सी। एक व्यास, व्यास ये आ गया यानी ए सी, यानी ए सी वृत्त का व्यास है। अब एक जीवा, वृत्त का व्यास जो है वो ही इसकी जीवा है, चाहे ये ई डी ले लो चाहे ये ए सी ले लो। तो यानी कि एक जीवा, एक जीवा जो है ये वृत्त का भाग दिखाएगी हमें, ए सी दूसरी जीवा क्या है ए डी। ये अभ्यंतर में एक बिंदु पी, अभ्यंतर में एक बिंदु, अभ्यंतर में एक बिंदु तो क्या आ गया पी। बहिर्भाग में एक बिंदु क्यू। अब एक त्रिज्याखंड तो ए ओ बी, ये हमारा त्रिज्याखंड हो गया। एक वृत्तखंड, वृत्तखंड जो है हमारा ई और डी हो गया। तो इस हिसाब से हमारा ये है। अब दूसरा सम क्या है, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। हाँ, ये तो मैंने पहले बता दिया, जो वृत्त का जो है इसमें ये देखो ए ओ सी, ये वृत्त की एक जीवा भी है और सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त को दो भागों में बांटती है और व्यास की एक जीवा भी है। अब है वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास होती है, नहीं। अब मान लो इसमें ई और डी ये भी एक जीवा है लेकिन वृत्त का व्यास नहीं है क्योंकि ये दो भागों में नहीं बांटती। तीसरा सम, उसका केंद्र अंकित कीजिए, तो उसका केंद्र ओ, एक वृत्तखंड ई डी, एक त्रिज्या ओ सी, इसके अभ्यंतर में बिंदु पी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्नावली आपने कंप्लीट करनी है। थैंक यू।